नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ोती में आपके साथ। मैं हूँ आपकी दोस्त निशा और दोस्तों प्रोग्राम में आज कुछ और नए लोगों से इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, उनकी लाइफ के बारे में, उनके सपनों के बारे में, उनकी उम्मीदों के बारे में और जानेंगे उनके मन की बात। तो दोस्तों आइए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत। दोस्तों प्रोग्राम में सबसे पहले इनसे जानते हैं, सर नाम बताएं अपना। विजय। सर आपकी ये किराना की जो शॉप है कितनी पुरानी है? सर 15 साल पुरानी है। तो सर क्या सोचा था, सपना क्या था, यही चाहा था कि बिजनेस करेंगे या कुछ और प्लान था? और प्लान था। क्या प्लान था सर, क्या सोचा था? अब उल्टा हो गया बस। क्या सोचा हुआ था सर आपने अपने लिए? लाइफ में तो बहुत कुछ सोच रहा था, उल्टा हो गया। उल्टा हो गया, तो अभी जो उल्टा हो गया उससे संतुष्टि है या लगता है कि कुछ और बेहतर होना चाहिए था? अब क्या होगा, अभी आधी गुजर गई, आधी और गुजर जाएगी। चलिए सर, ऐसा सभी के साथ होता है कि हम जो सोचते हैं वो कभी होता है और कभी नहीं हो पाता, लेकिन उम्मीदें करना हम नहीं छोड़ते। तो कौन सी ऐसी बड़ी उम्मीद है आपके जीवन में, अभी कौन सी ऐसी इच्छा है जो अधूरी जिसे आप पूरी करने की चाह रखते हैं? इच्छाएं तो बहुत कुछ है, वो होती नहीं है पूरी। फिर भी कुछ सोचा हुआ हो आपने, वो क्या बताया आपको? चलिए, संतुष्टि कितनी है सर जीवन से अगर पूछा जाए आपसे? 40 बस, कम है। दोस्तों हमेशा ऐसा नहीं हो पाता कि हम जो सोचते हैं वो पूरा हो जाए, कई बार ऐसा होता है कि उम्मीद से बढ़कर मिलता है और कई बार हमारी जो उम्मीदें हैं वो पूरी नहीं हो पाती। शायद ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ है, लेकिन प्रोग्राम में आगे हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास काफ़ी कुछ है बताने के लिए अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ, तो आगे उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके मन की बात। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे भी इनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? मोहन अंसारी। सर आपकी खुद की शॉप है ये? हाँ, आपकी खुद की शॉप है। तो ड्रीम हर किसी का होता है लाइफ में, आपने भी कुछ ना कुछ सोचा होगा, तो क्या ड्रीम था कि बिजनेस करेंगे या कुछ और आपने सोचा था? बिजनेस का सोचा ही नहीं था, बिजनेस का सोचा ही नहीं था। ओके, तो क्या प्लान था सर आपको लाइफ को लेकर, क्या प्लान था आपका? नहीं, हम दोनों भाई ने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, मोबाइल की शॉप लगाते हैं। ओके, साथ दिया तो दोनों भाइयों ने मिलकर के सोचा और अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो सर कितना टाइम हो गया इस बिजनेस को? अप्रोक्सीमेटली 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। तो क्या लगता है आपके, जॉब बेटर है या बिजनेस करना ज़्यादा बेटर है? नहीं, मतलब जॉब एक हद तक उनके लिए सही है जो सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब सही है, लेकिन बिजनेस में थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है जी, टाइम देना पड़ता है बिजनेस को, तो आप सफल हो जाते हैं मतलब। ओके, तो सर अब जो बिजनेस आप कर रहे हैं उससे कितना सेटिस्फेक्शन है? फुल 100% सेटिस्फेक्शन। इसके अलावा सर पर्सनल लाइफ की बात करें तो क्या ऐसे शौक है, क्या ऐसी इच्छा है जो आगे पूरी करना चाहते हैं आप? इफेक्ट पड़ता है बिजनेस का जी, वो तो सर पड़ता ही है। इसके अलावा सर इच्छाएं तो हम सभी की होती है, शौक भी होते हैं, सपने भी होते हैं लाइफ में, तो आगे और क्या है पर्सनल लाइफ में ऐसा जो आप हासिल करना चाहते हैं? बस घर वालों को टाइम देना चाहते हैं, यानी कि बिजनेस में जो काम होता है कोई टाइम नहीं होता। अपने बिजनेस में हम सभी जानते हैं कि टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, तो यही थोड़ी सी इन्हें शिकायत, और ये चाहते हैं कि थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा निकाल पाए ताकि अपनी फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड कर सकें। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ोती और प्रोग्राम में आगे हमारे साथ कौन है ये जानते हैं। सर आपका नाम? राम विलास माला। क्या करते हैं सर? किसान है, हम तो खेती करते हैं। किसान है, तो सर आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, कहाँ तक की है सर पढ़ाई? 10th तक की है। तो जब आप स्कूल में थे तो कुछ सपना था ऐसा कि जीवन में कुछ करना है, कुछ बनना है, या सोचा हुआ था कि किसान है तो खेती ही करेंगे? हाँ था, पर वो नहीं पाया। वो नहीं पाया, तो अभी सर जो आप खेती का काम करते हैं कितना सेटिस्फेक्शन है, क्या लगता है लाइफ में, संतुष्टि अच्छा है या लगता है, बढ़िया लगता है? बढ़िया लगता है। कितने बच्चे हैं सर आपके? दो बच्चे। तो उनके लिए सर क्या सोचा हुआ है, चाहेंगे कि वो खेती करे बड़े होकर आपकी तरह? पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या आप बनाना चाहते हैं, उन्हें क्या सोचा हुआ है? वो तो उनके ऊपर है क्या बनना चाहते हैं। चलिए, तो सर आपकी कोई ऐसी इच्छा या कोई ऐसा शौक, कोई ऐसा सपना जो अब तक अधूरा हो जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? पूरा हो जाएगा, नहीं होगा तो भी हो जाएगा। चलिए, उम्मीद जो होती है ज़िंदगी में वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, इन्हें उम्मीद भी है और विश्वास भी है कि इनके जो सपने हैं, जो अधूरे हैं, उन्हें ये ज़रूर पूरा करेंगे। साथ ही चाहते हैं कि इनके जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख करके काम करें, जॉब करें और अपना जो फ्यूचर है उसे सिक्योर कर पाए। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे भी इनसे भी जान लेते हैं। सर आपका नाम बताएं? मेरा नाम अब्दुल अली। क्या करते हैं सर आप? मेरा सैलून है। सैलून है आपका? तो सर आपने क्या सोचा था जीवन में करने का, क्या सपना था आपका? बस हमारा यही था कि आप जो है छोटी फैमिली के थे, तो हमारा परिवार का जो काम था वही काम हमने किया जी, और उसी काम से हम आगे बढ़े हैं। ओके, तो पारिवारिक जो आपका काम था उसे आपने? हाँ, मैं उसको बिल्कुल अपने हिसाब से, अपने टाइम से अपना काम देता हूँ दुकान पे, और मैंने अपने 7 बच्चा बच्चों को पालन किया है, बच्चा बच्चों की शादी बढ़िया करी है और बढ़िया शॉप लगा रखी है, बढ़िया अपना काम चल रहा है। तो सर संतुष्टि है जीवन में या कभी कुछ लगता है कि ये भी होता तो बेहतर? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट है। अपने ये है कि ईमानदारी से कर्तव्य करो और ईमान अपने हिसाब से चलते रहो तो जीवन सही सलामत रहेगा, और अगर आप जो है गलत लाइन चलोगे तो
कोई काम बनने वाला है ही नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है, बहुत अच्छा मैसेज भी इन्होंने दिया है कि ईमानदारी से आप अपना काम करते रहे तो लाइफ में जो है सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे जानते हैं कौन है हमारे साथ। सर नाम बताएं अपना। हेमंत नागर। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ HDFC में, फाइनेंस। ओके, फाइनेंस फील्ड में आप काम करते हैं, तो आपने क्या सोचा हुआ था लाइफ को लेकर, प्लान क्या था? मेरा बहुत बड़ा प्लान था, बिजनेस करने का प्लान था मेरा। ओके, वो नहीं पाया। तो अब जॉब में आप आ गए हैं, कितना टाइम हो गया जॉब करते हुए? को अभी ज्यादा टाइम है, हमारे 6 मंथ हुए अभी। ओके, 6 मंथ हो गए, तो अभी तो एज भी आपकी कम है, यंग है आप, आगे कुछ प्लान है कि बिजनेस करेंगे? बहुत बहुत बड़ा प्लान है मेरा, कुछ लाइफ में कुछ बड़ा करने का प्लान है। ओके, तो बिजनेस की तरफ ही जाना चाहेंगे फाइनली। चलिए, तो पर्सनल लाइफ की अगर आपकी बात करें तो क्या क्या ऐसे शौक है जो अभी अधूरे, जो आगे? बहुत सारे शौक है अभी अधूरे। क्या है शौक, हॉबीज क्या क्या है आपकी? मेरी मेरी हॉबीज है मतलब गाड़ियों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना। क्या बात है, गाड़ियों के शौकीन है। इसके अलावा जब फ्री टाइम मिलता है तो क्या करना पसंद करते हैं? मैं टाइम मतलब विदेश घूमना पसंद करता हूँ। विदेश घूमना पसंद। चलिए, अगर आपको मौका मिले किसी एक कंट्री में जाने का, सबसे पहले कहाँ जाना चाहेंगे? मैं अमेरिका। अमेरिका जाना चाहेंगे। ड्रीम कार कौन सी? आपने कहा गाड़ियों में घूमने की शौकीन है। मर्सिडीज। चलिए, इनके जो सपने हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, अभी फिलहाल ये जॉब कर रहे हैं लेकिन इनका सपना है कि ये अपना खुद का बिजनेस करें। मर्सिडीज इनके पास और अमेरिका घूमने का इनका जो सपना है वो जरूर पूरा हो। और आगे इनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? सद्दाम हुसैन। क्या करते हैं? सैलून। सैलून का काम करते हैं। तो क्या सोचा था आपने लाइफ में, ड्रीम क्या था आपका? मेरा ड्रीम सैलून का ही था। ओके, तो सपना जो था वो पूरा हुआ है? बिल्कुल पूरा है। ओके, इसके अलावा और क्या ऐसे शौक है या कौन सी ऐसी इच्छा है जो आगे आप पूरी करना चाहते हैं? मेरा कोई नहीं, बस सैलून का ही है। काम के अलावा सर पर्सनल लाइफ में हम सभी की इच्छाएं होती है, कुछ सपने होते हैं, तो आगे के लिए सर क्या सोचा हुआ है, कौन सी ऐसी इच्छा है जो अधूरी है अभी तक? अभी तो बस ये इच्छा है, बस जो मेरा फादर है इनको मुझे हज उमरा कराना है, इसके अलावा कोई इच्छा नहीं मेरी। बिल्कुल, तो बहुत नेक इच्छा इनकी है, जिंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तो ख्वाहिश है इनकी कि अपने जो पिताजी उन्हें ये हज करा पाए, तो इनका जो नेक इरादा है वो जरूर कामयाब होगा। और प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे उनके मन की बात। और आगे भी इनसे जानते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम राहिल अंसारी है। क्या करते हैं सर? मैं सैलून का काम करता हूँ। सैलून का काम करते हैं। सर आपने क्या सोचा था लाइफ को लेकर, कि आपका ड्रीम क्या था, क्या बनना चाहते थे? ड्रीम तो कुछ नहीं था, बस जैसे जैसे हो गया बस। तो फैमिली बिजनेस को सर आपने ज्वाइन किया था? फैमिली बिजनेस। ओके, तो कितना टाइम हो गया सर आपको? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए इस काम को करते हुए। तो कभी लगता है कि यही लाइन हमेशा आप रखनी है या कुछ और चेंज करना चाहते हैं लाइफ में? शादी हो गई है तो शादी के हिसाब से अभी यही लाइन रखनी है, चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो आगे और कौन से ऐसे सपने हैं आपके जो अधूरे, कोई ऐसी इच्छा जिसे आप पूरी करना चाहते हो? सपने तो बहुत सारे हैं मैम, लेकिन क्या धीरे धीरे वहींगे तो कर देंगे पूरा। बड़ा सपना आपसे पूछा जाए, सबसे बड़ी इच्छा अभी आपकी इस वक्त जिसे आप आगे पूरी करना चाहते हो? सपना तो मेरी मम्मी पापा का, मेरी मम्मी का उमरा और आज यही है अपना। तो दोस्तों ये जो है अपने फैमिली बिजनेस को इन्होंने ज्वाइन किया, चाहते हैं कि उसी काम को आगे बढ़ाएं और अपने माता पिता को हज करवाना चाहते हैं, तो इनका जो सपना है वो जरूर पूरा होगा। आगे कुछ और लोगों से जानेंगे उनके सपनों के बारे में। आप देख रहे हैं प्रोग्राम, मैं हूँ हाड़ोती और प्रोग्राम में आगे अब इनसे बात करते हैं। आपका नाम? पहला जोशी। क्या करते हैं? मैं भी नीट की कोचिंग करता हूँ। नीट की कोचिंग कर रहे हैं आप, तो ड्रीम क्या है लाइफ का, क्या गोल है? ड्रीम को क्या है, डॉक्टर बनना है, FMC जाना है, मुंबई में। ओके, डॉक्टर बनने का सपना है, तो शुरू से मन में यही चाहता था कि डॉक्टर बनेंगे, या किसी ने गाइड किया, इंस्पायर किया? नहीं, डॉक्टर के साथ में एकदम एक स्टूडियो होता है जो डॉक्टर के साथ मतलब फौजी भी बनते हैं, आप कैडेट भी बनते हो जी, हाँ उसके साथ मतलब वो ज्वाइन करना जो FMC पुणे में होता है, उनके साथ आप एक फौजी भी बनते हो और एक फौजी भी बनते हो और उसके साथ आप एक डॉक्टर भी बनते हो और आपको सर्व करना पड़ता है कि इंडियन आर्मी में, इंडियन आर्मी को सर्व करना पड़ता है, तो वो आपका ड्रीम है कि इंडियन आर्मी को आप सर्व करना चाहते हैं डॉक्टर बनकर के। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा हॉबीज की अगर बात की जाए तो मैं मेरे को पूरा भारत घूमना है, मेरे को हिमाचल, जम्मू कश्मीर जाना है। ट्रैवलिंग का शौक आप? ट्रैवलिंग का शौक। तो कहाँ कहाँ घूम आए हैं? मैं अभी तक तो अभी शुरुआत कोटा में और मुंबई में गया, यानी शुरुआत अभी नहीं हुई अपने ड्रीम के। मुंबई मैंने पूरा घूम लिया। ओके, तो अगर मौका मिले तो सबसे पहले कहाँ ट्रैवल करना पसंद करेंगे? मैं हिमाचल। हिमाचल जाना पसंद? हल्द्वानी जाना चाहूँगा। क्या बात है, तो ट्रैवलिंग के ये शौकीन है और चाहते हैं कि इन्हें जैसे ही मौका मिले लाइफ में हिमाचल ये घूमे, पूरा इंडिया ये घूमना चाहते हैं। साथ ही इनका सपना ये है कि डॉक्टर बनकर के इंडियन आर्मी को सर्व कर सके, तो इनका जो सपना है वो जरूर पूरा होगा। और प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से उनके सपनों के बारे में जानेंगे।